हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज शनिवार है और आज मम्मी और पापा को एक और जगह घुमाने लेके आया हूँ। और वो जगह कौन सी है वो मम्मी से ही पूछते हैं। मम्मा बताओगे कहाँ आए हो घूमने आज आप? पेरिस। पेरिस? पेरिस में। और पेरिस में क्या देखने आए हो? पेरिस में देखने आए मम्मा एफिल टावर। मॉर्निंग में निकले थे बेल्जियम से और सुबह हमारी बस थी 6:40 पे। हम यहाँ पहुँच गए अराउंड 11:30-12 बजे के आसपास और उसके बाद हम डायरेक्टली एफिल टावर आ रहे हैं अभी। और यहाँ से फ्री होके शॉ एलिजी और आर्क द ट्रायंफ देखने जाएंगे। बट अभी तो यहीं टाइम पास करेंगे, अभी तो काफ़ी टाइम हमारे पास। देखिए आज वेदर थोड़ा सा ठीक नहीं है, अगर मैं दिखाऊं तो बहुत क्लाउडी है, बल्कि रेनिंग भी स्टार्ट हो गई है। पापा ने तो वहाँ अगर आप देखोगे रेनकोट निकाल लिया अपना। एक्चुअली आज प्लान तो ये था कि मम्मा पापा को ऊपर लेके जाऊंगा इसमें आप बाय लिफ्ट और स्टेयर से जा सकते हो, लेकिन आज अभी अगर आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यहाँ पे ये सेकंड फ्लोर के बाद बंद है, तो सेकंड फ्लोर से कोई व्यू ऐसे खास है नहीं। अगर टॉप पे जाते वहाँ पे तो कुछ फ़ायदा भी होता, तो इसलिए हमने ऊपर जाने का प्रोग्राम तो कैंसिल किया है। मम्मा कुछ आया पसंद, कुछ इसमें लगी बात कुछ खास, फर्स्ट इंप्रेशन क्या लगा? अच्छा ये है कि पुराना स्ट्रक्चर है और जिस टाइम के हिसाब से बनाया गया उस टाइम के हिसाब से तो बहुत सही है। 100 साल से ऊपर हो गया इसको बनाए हुए। और इसकी सिग्निफिकेंस जो है वर्ल्ड फेयर के लिए इन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया था। और पिताजी हमारे रेनकोट में आ गए जबकि बारिश रुक चुकी है। डैडी कैसा लगा आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या है एफिल टावर का? बहुत अच्छा है। मम्मी ने भी अच्छा बोला, आप भी अच्छा बोलो, क्या खास लगा आपको? ऐसा क्या खास है इसमें? यही है कि ये पेरिस में खड़ा है इसलिए पेरिस में देखने के लिए। नहीं वैसे तो हर चीज़ किसी ना किसी कंट्री में खड़ी होगी। छोटे बेटे के पास भी आके मम्मी खुश नहीं है और बड़े बेटे से कॉल चल रही है। हेलो, ये यहाँ की टूरिस्ट बस, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन पे लेके जाएगी, आप उतरो वहाँ पे और अपना घूम फिर के आओ, नेक्स्ट बस जो आएगी उसमें चढ़ जाओ। तो एफिल टावर दर्शन तो हो गए, निहार लिया। यहाँ कुछ खास करने को है नहीं अभी, और मैंने बताया जैसे कि ऊपर जा सकते नहीं आज, मतलब लोग जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है तो लोग सेकंड फ्लोर तक जा रहे हैं सिर्फ, वहाँ तक जाने का मन नहीं अपना, ऊपर तक जाने का मन था। तो यहाँ से भी निकलेंगे एवेन्यू शॉ एलिजी के लिए, कि जितना मुझे पता है बोलते हैं कि वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल स्ट्रीट है। ऑफिशियल नहीं है लेकिन ऐसे उसको काउंट किया जाता है कि बहुत सुंदर है। वहाँ जाएंगे और उसके बाद फिर आर्क द ट्रायंफ है वो देखने जाएंगे। तो अभी वॉक करते निकलते हैं यहाँ से। एफिल टावर तो हमने भी देख लिया और आपको भी दिखाई दिया हमने। बारिश कंटिन्यूसली लगी हुई है अभी और अब प्लान करते हैं पहले कि वॉक करके जाएं, मेट्रो लें, बस लें या फिर यहाँ से टुक टुक भी मिलते हैं। तो अभी वॉकी टॉकी चल रही है साथ साथ में, हमने टुक टुक कैंसिल कर दिया बिकॉज 1.5 किलोमीटर की वॉक दिखा रहा था और 20 से 15 मिनट का एस्टिमेशन दे रहा था। तो मम्मी ने कहा कि थोड़ा वॉक करते हुए चलते हैं, कोई इशू नहीं है और टाइम हमारे पास है ही। अभी 1 किलोमीटर की वॉक बच रही है। तो प्रिंसेस डायना की डेथ इस पॉइंट पे हुई थी इन अ कार क्रैश 1931 अगस्त। ये आ गया आपका लुई विटों।
अम्मा आपको पर्स तो लेना है, तो अगर पर्स ले रहे हैं तो मैंने यहाँ से लूँगा आपको, देखो लाइन में लुई वितों और यहाँ पे पापा जी का PPF GPF जो बचा हुआ पुराना सब कटवाना पड़ेगा। मम्मा है पैसे कुछ जेब में? है पैसे। और पेरिस के माल रोड पे मम्मा और पापा। मम्मी तो ये पेरिस का माल रोड है और शॉल्जी आया पसंद? कुछ लेना? हाँ ले तो लेते, लेकिन अभी क्यों बहुत लंबी है तो इसका नहीं, वो घर के कागज लाए हो ना आप वो भेज देंगे। और ये आ गए हम पेरिस के इंडिया गेट में। सो ये है आर्क द ट्रम्फ। पूरी शॉल्जी स्ट्रीट को ट्रेवल करते हुए आते हो स्ट्रेट और उसके एंड में आपको मिलता है इनका आर्क द ट्रम्फ। अगर देखें तो ऑलमोस्ट हमारे इंडिया गेट की तरह ही है लुक एंड फील में, एक्चुअली शायद थोड़ा बड़ा हो ये। इसकी सिग्निफिकेंस, ये एक्चुअली काइंड ऑफ वॉर मेमोरियल है। इस पर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो सारे सोल्जर्स थे उनके नेम्स एनग्रेव्ड हैं और उनकी हिस्ट्री साथ में। ठंड तो लगी अम्मा? और ये इनके भी मेरे ख्याल से जैसे हमारे हैं अमर जवान ज्योति उसी तरह है, क्योंकि ये एक तरह से मैंने जैसे बताया था कि वार मेमोरियल करके ही है ये, तो इनकी जो एनुअल मिलिट्री परेड है वो भी यहीं से होती है। हाँ जी, तो हम पहुंच गए बस स्टेशन पेरिस का। जो जो करना था हमने, जो प्लान था हमारा, वहां जाके आ गए। अभी बस में हमारी 1 घंटा है पूरा। हाँ जी अम्मा, चलो फिर बाय बाय कर दो, वीडियो एंड करते हैं। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।